बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ ग्लाइडर्स, यानी ये चमकदार वॉलपेपर्स हैं जो ग्लाइडर, इसको बसमा भी कहते हैं। शाइन शाइन सा ये एक वॉलपेपर्स होते हैं, ये हमें बैकग्राउंड में इस तरह से बनाने में काम देते हैं। इस तरह के ये मैंने आप यहाँ पर छोटे से कार्ड में ये चीज़ें यूज़ की हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में ये एक दिया था एक साइड पर यहाँ पर, तो कुछ लोगों ने मुझे इसके मैसेज किए कि सर हमें इसको बनाने का तरीका बता दें कि कैसे बनाते हैं। बनाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोरल ड्रा में नहीं है, एडोब में है। एडोब में भी आप बना सकते हैं, कोरल ड्रा में बन तो जाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि आपको मैं इसकी कलेक्शन आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, जिससे आप इनको खुद बना लेंगे। आपने जो भी डिज़ाइन बनाना होगा आप उसी को यहाँ पे बना लेंगे। इन सब में मैंने ये इमेज रखी हुई है, ये देखें, और ये एच डी रिजल्ट के अंदर है। ये सब इमेजेस हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सब इस तरीके से इमेजेस हैं। आप इनको अपने इस्तेमाल में ला के अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मैं आपको इसकी कलेक्शन दिखा देता हूँ, ये देखें, ये 239 है, बहुत खूबसूरत है। ये एच डी कलेक्शन है, इसको आप यानी अपने यूज़ में ला के अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारी आपको मदद मिलेगी और डिज़ाइन में ज़रा काम आपका कम हो जाता है, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा कुछ यानी शाइनिंग सा बनाने के लिए आप काम ले सकते हैं इससे। जैसे कि मैं एक यहाँ पे लेता हूँ इस तरह से, और जिस तरह मैंने ये बनाया मैं ऐसे कुछ और बनाता हूँ, मसलन ये ऐसे, इसकी थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ डायरेक्शन इस तरह से, और यहाँ से इंपोर्ट करूँगा मैं इमेजेस, या आपको जो इमेज चाहिए आप सेलेक्ट करके यहाँ से ले सकते हैं। मसला मुझे यहाँ ये चाहिए, तो मैं इसको प्लेस इनसाइड कंटेनर कर लूँगा, और ये इस तरह से ये इतने ही दिखाई दे रही है। इसको अब हम पावर क्लिप कर देंगे इसकी इनसाइड में, आप आउटलाइन रिमूव कर लें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर आप किसी और तरीके से इसको करना चाहते हैं, उसे मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ इसको, और यहाँ से हम कन्वर्ट टू कर्व करके इसको थोड़ा सा ऐसे मैन्युअली अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर लेते हैं। ये इस तरह ज़रा ये आपको समझ आ जाएगी कि मैन्युअली करने के लिए हम क्या करें। तो मज़ीद आपके सवाल नहीं बढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही ऐसे बना दिया है। ये अब यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करें, आपने यहाँ से अपनी मर्जी की जो भी इमेज आपको पसंद हो यहाँ पे क्लिक करें और इंपोर्ट कर लें। ये और ये एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा आप दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेजेस हैं, इलस्ट्रेटर ये वो सब में इनको इजीली यूज़ किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेंगे, मसलन 200 प्लस हैं ये मेरे पास, तो मैं इसको सॉरी यहाँ पे लाता हूँ इस तरह से, बड़ा कर दूंगा। ये आप इसको कोई भी और स्टाइल में भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया आप वैसे ही बनाएं। और यहाँ पे कुछ और अब ये ले लेते हैं डिज़ाइन, इसको 200 में आप इस तरह से पावर क्लिप कर लेंगे, और इसका आउटलाइन जो है ना थोड़ा सा ये डल सा दिख रहा है, आप यहाँ से आउटलाइन दे देंगे, ये थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं करना,
अच्छा नहीं लगता, बस ये। अब हमने इसको थोड़ा सा शेडो देना है, शेडो दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। ये यहाँ पे इस तरह से, फ्री इमेजेस कर लेता हूँ मैं, और ये टेक्स्ट मैंने चेंज केस कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आप कोई भी और स्टाइल में भी रख सकते हैं इसको, जो आपको पसंद हो। ये अब यहाँ पे भी इंपोर्ट करके इसमें कोई सा भी स्टाइल आप रख सकते हैं। मैं ब्लू का कोई देखता हूँ, वो हमने यूज नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि ये बहुत बड़ा है तो आप हाफ इस तरह करें और हाफ इस तरह कर लें, इन दोनों को इस तरह से कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं, इस तरह से पावर क्लिप, और ये किसी के ऊपर भी आप क्लिक करके इसको क्लिक इस तरह से पावर क्लिप कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ी सी आउटलाइन देनी है ऐसे बोल्ड सी, और ये देखें। अब इसको भी थोड़ा सा मैं शेडो दे देता हूँ, और इसको भी यहाँ पे इसको 4 कर लेते हैं, 60, और सेम है इसको भी, थोड़ा ये हार्ड नजर आएगा, इसको 70 कर लेते हैं बस। आप चाहें तो एक कलर भी इसका वही रख सकते हैं, यहाँ से यानी यहाँ क्लिक करें, और यहाँ से आप CMYK को, आपने CMYK रखना है प्रिंट के लिए। मैं इसकी RGB भी करता हूँ, और यहाँ से कलर ले लेता हूँ ये वाला, और फिर इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये इसके शेडो का कलर हो गया है, चाहे तो और डार्क कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं, ये ठीक है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ये ज़रा फेड फेड सा दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये मैंने एक बनाया है सिंपल सा, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कोई सा भी इसमें। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इन तस्वीरों को आप, इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे से लिंक है वहाँ से, और इनका रिजल्ट देखें काफ़ी HD में है, ये 900x900 आ रहा है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि मैं रिज़ल्ट आपको बेस्ट दूं, जैसे कि ये है बैकग्राउंड में, आप इसको भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कॉपी पेस्ट की है, आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं पावर क्लिप करता हूँ इसमें, और ये अब ज़रा बड़ा हो गया है, ऊपर आ गया है, तो शिफ्ट पेज डाउन कर दें, और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ नीचे की तरफ, और ये फिनिश। चाहें तो कलर ब्लैक कर लें, बात वहीं आ जाती है। ये ट्रांसपेरेंट करने का फ़ायदा कोई नहीं है, मैंने उसको फिर ब्लैक ही कर दिया था, इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलें जी, चाहें तो ये कलर चेंज किया जा सकता है, आउटलाइन का लाइट किया जा सकता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल भी कह लें, या इमेजेस कह लें ग्लाइडर्स के लिए। तो एंजॉय करें, अपने आप ये डिज़ाइन बना के मेरे फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करें, MSB ग्राफिक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।